गरोंडा में बीती 25 दिसंबर को रोहतक से शादी कर गरोंडा आई श्वेता का रहस्यमय परिस्थितियों में अपहरण हो जाने के बाद शहर में दहशत का माहौल है। गायब नवविवाहिता के पति द्वारा पुलिस में दी शिकायत के अनुसार 3 जनवरी की अल सुबह श्वेता घर से बाहर शौच के लिए गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अपहरण होने के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास कोई सुराग नहीं का पुलिस का दावा है कि मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है। कॉलोनी से कंप्लेंट आई थी कि एक गूंगी लड़की है और सुबह घूमने फिरने के लिए गई थी जो अभी तक वापस नहीं आई। इस पर 365 का मुकदमा दर्ज करके और उसकी तलाश जारी है। काफ़ी अखबारों में भी निकलवाया हुआ है और आप लोगों के संपर्क किया है तो वो लड़की की तलाश जारी है। अभी कुछ तथ्य सामने नहीं आए, जो भी सामने आएंगे आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ वो लड़की कैसे रह रही थी, कहाँ से आई थी? वो लड़की रोहतक से इन्होंने शादी की थी जी। तो यहाँ ग्राउंड में उस लड़की की शादी इसके राजेंद्र के साथ की थी। तो वो लड़की 17-19-20 साल के लगभग है। उसकी थोड़ी सी ये है कि वो मंदबुद्धि है और थोड़ी गूंगी भी है, बोलने में असमर्थ है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर बोलने में असमर्थ ना होती तो कहीं ना कहीं एड्रेस का पता पड़ जाता उसका, कहाँ रह रही है कहाँ नहीं रह रही है। अपहरण महिला की मां प्रियंका निवासी आदर्श नगर रोहतक ने गरोंडा थाने में पहुंचकर आरोप लगाया कि श्वेता के गायब होने में ससुराल वालों का हाथ है। 8 दिसंबर को मैंने अपनी बेटी की शादी किया था गरोंडा का, यहाँ जिस कॉलोनी है, और 3 जनवरी को मेरे बेटी गायब है जी। ये लोग के कहना यही है कि शौचालय के लिए बाहर निकले तो गायब हो गया लड़की। मेरा तो ये विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी बाहर जा करके गायब हो गई है जी। और मुझे तो इन लोगों से कोई शिकायत नहीं है अभी भी, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी है घर वापिस आ जाए ताकि इन लोगों की भी छुट्टी हो जाए और मेरा भी छुट्टी हो जाए। तो आपका गरोंडा से अजा टीवी न्यूज के लिए सुरेंद्र पंचाल की रिपोर्ट।